नमस्कार भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमानंद फूड पर। आज हम आपके सामने मजेदार खोए की बर्फी की रेसिपी लेके आए हैं। अंत तक इस वीडियो को देखते चलिए कि इसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है। अब रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं। आधा पाव दूध लेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ नारियल का बुरादा, आधा पाव के लगभग खोआ, एक पाव चीनी और दो छोटी इलायची। अब हम बर्फी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। अब देखते चलिए कि चाशनी कैसे तैयार करते हैं। अब कढ़ाई हमारी हो चुकी है, इसमें चाशनी के लिए दूध डालते हैं। वैसे तो लोग पानी में ही बर्फी बनाते हैं, लेकिन हम बर्फी में सब्जी लाने के लिए थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। अब इसके बाद हम चीनी डालेंगे। अब चीनी गलने के लिए थोड़ी देर बचिया चीनी हम छोड़ देंगे। जब चीनी गल जाएगी, बर्फी की चाशनी तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसमें हम खोआ डालेंगे। हमारी चीनी गल चुकी है, अब धीमी आंच पर 10 मिनट में हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, उसके बाद से इसमें हम खोआ डालेंगे। चाशनी हम इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई की सेवी में चाशनी लग भी सकती है। हमारी चाशनी अब बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम खोआ डालेंगे। अब हम खोआ डालते जा रहे हैं। आँच धीमी करके इसको बराबर भी मिला लेंगे। अब इसको खूब अच्छे से जल्दी जल्दी मिलाएंगे, ताकि गुटी गुटा इसमें न। इसमें यही ध्यान देना है, बर्फी बनाते समय कढ़ाई के तेल में कहीं बर्फी लगे ना, नहीं तो इसमें से महक आने लगेगी। अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे और जो इलायची रखे थे उस इलायची को भी डालेंगे, उसके बाद चलाते हैं। इसके बाद यही ध्यान देना है, नारियल डालने के बाद इसको गैस पर 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको उतार दें। अब थाली पे थोड़ा सा तेल या घी लगा के उसके बाद हम बर्फी पे जमा देंगे। बर्फी अगर कायदे से नहीं पहचाना गया तो जमने में भी परेशानी होती है, इसलिए हम जल्दी उतारेंगे, थाली पे तेल लगाएंगे और उसको तुरंत जमा देंगे। हाथ में थोड़ी सी पानी लगा के इसको हम सेक में लाएंगे। चाकू से बर्फी का हम सेप देंगे और सेप देने के बाद हल्की हल्की गर्म बर्फी रहे उसी समय इसको हम हटा निकालेंगे। तो आपके लिए बहुत ही शौक से हमने बर्फी तैयार किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
इसको हम प्लेट में खूब अच्छे से सजा लेंगे। इसके ऊपर हम नारियल का बुरादा छिड़केंगे कि देखने में भी बहुत सुंदर लगे और खाने में भी खूब टेस्टी लगे। ऐसे ही और रेसिपी के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। तब तक के लिए।